नमस्कार दोस्तों, मैं एक बार फिर गोविंद वर्मा आपके अपने फिजिकल जानकारी चैनल पर उपस्थित हूँ। और क्या है कि काफ़ी दिन हो गए मुझे वीडियो बनाए, आज मैंने एक वीडियो बनाया है आप सभी के लिए जो स्पोर्ट्स से रिलेटिव हैं और जो स्पोर्ट्स से रिलेटिव नहीं है उनके लिए भी। क्या है कि स्पोर्ट्स के बारे में जानकारी सभी को होना ज़रूरी है और उसी को मद्देनज़र रखते हुए मैंने कुछ स्पोर्ट्स के नाम और उनके पिक्चर आपके साथ आज मैं शेयर करने वाला हूं। उसमें उस स्पोर्ट्स का क्या नाम है वो और उस स्पोर्ट्स में वो दिखता कैसे है, मतलब कैसे खेला जाता है, क्या रहता है। जैसे हॉकी है तो हॉकी किस चीज़ से खेली जाती है, हॉकी कैसी दिखती है, बास्केटबॉल है तो बास्केटबॉल कैसी दिखती है, ये मैं आपके साथ आज शेयर करना चाहता हूँ ताकि सभी को कुछ जानकारी मिले स्पोर्ट्स के बारे में। और कम से कम 30 से 35 स्पोर्ट्स के नाम, मतलब खेलों के नाम और उनके पिक्चर मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो आइए चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। देखिए, नंबर वन होता है एथलेटिक्स। एथलेटिक्स एक ट्रैक इवेंट है, ट्रैक एंड फील्ड। तो ये जो चित्र है वो हमारा ट्रैक का है और इस पे हम क्या है रनिंग वगैरह करते हैं, हेडल्स वगैरह खेलते हैं। ये सारे एथलेटिक्स में गेम्स आते हैं, एथलेटिक्स में बहुत सारे गेम्स हैं। नंबर टू होता है बॉल। नंबर थ्री होता है बास्केटबॉल। बास्केटबॉल में क्या है, पांच पांच प्लेयर दोनों टीम में होते हैं और ये एक कोर्ट पे खेली जाती है। इस प्रकार से बास्केटबॉल खेली जाती है, बास्केटबॉल का ये दृश्य है। अब इसके बाद नंबर चार पे आ जाता है बैडमिंटन। और बैडमिंटन में दो खिलाड़ी भी होते हैं और चार प्लेयर भी होते हैं, मतलब कि एक एक दोनों तरफ या दो दो दोनों तरफ। नंबर पाँच बॉक्सिंग। बॉक्सिंग मुक्केबाजी को बोलते हैं और इसमें क्या होता है कि रिंग के अंदर खेले जाते हैं। इसके बाद है वोड जंप, जिसको चोड़ी कूद बोलते हैं। बिलियर्ड्स, जिसमें रंगीन बहुत सारी बॉल होती है और इसको एक टेबल के ऊपर शूट किया जाता है या मारा जाता है। इसके बाद होता है कैरम, जिसका बोर्ड आपके सामने दिखाई दे रहा है। नंबर नौ पे है क्रिकेट, जो कि एक बहुत लोकप्रिय खेल है। वैसे तो हमारा हॉकी राष्ट्रीय खेल है लेकिन क्रिकेट को लोकप्रियता बहुत ज़्यादा मिलती है। चेस, शतरंज हो गया। इसके बाद ग्यारहवें पे साइकिल रेस, मतलब साइकिल की रेस जो होती है वो साइकिल रेस। डाइज मतलब पांसे, इस प्रकार से पांसे खेले जाते हैं। और आगे चलते हैं तो आगे और भी गेम्स हमारे पास उपलब्ध हैं, जो कि अभी 12 गेम हुए हैं, अगले गेम पे हम आते हैं। बाकी क्रिकेट नंबर 13 पे है डिस्कस थ्रो, जिसको गोला फेंक बोलते हैं। यह एक सिंगल गेम है जिसमें एक ही व्यक्ति फेंकता है इसको गोले को। फुटबॉल, फुटबॉल में 11 खिलाड़ी होते हैं एक तरफ की टीम में। इसके बाद हो जाता है हमारा गोल्फ। ये गोल्फ में भी एक ही प्लेयर होता है एक तरफ, अगला प्लेयर एक तरफ होता है। ये गोल्फ भी सिंगल गेम है। हॉकी, हॉकी भी एक टीम गेम है, इसमें भी 11 प्लेयर्स होते हैं, मतलब कि 11 खिलाड़ी एक टीम में होते हैं। नंबर 17, नंबर 17 पर है हमारा हाई जंप, जिसको ऊंची कूद बोला जाता है। नंबर 18 पे है हाइड एंड सीक, मतलब कि लुका छुपी। नंबर 19 पे है हॉर्स राइडिंग, मतलब हॉर्स रेस। और हंटिंग मतलब कि शिकार करना। ये नंबर 20 पे है हमारा हंटिंग, मतलब कि शिकार करना। नंबर 21 पे है जेबलिंग थ्रो, इसमें क्या है एक भाला रहता है उसको फेंका जाता है, ये भी सिंगल गेम है। अभी नीरज चोपड़ा एक हमारे गोल्ड मेडलिस्ट हैं भारत के। काइट फ्लाइंग मतलब पतंगबाजी करना। लॉन्ग जंप मतलब कि लंबी कूद कूदना, ये भी एक सिंगल इवेंट होती है जो कि एथलेटिक्स के अंतर्गत आती है लंबी कूद। नंबर 24 पे है मार्बल्स, मतलब कंचेबाजी। ये छोटे छोटे बच्चों के लिए बड़ा लोकप्रिय गेम है मार्बल्स का। पोलो, ये घोड़े पर हॉकी खेली जाती है उसको पोलो बोलते हैं। प्लेइंग कार्ड्स मतलब कि ताश का खेल, इसको बड़े बड़े बच्चे, बड़े लोग भी पसंद करते हैं और छोटे लोग भी, इनको बच्चे भी पसंद करते हैं। इसमें दो लोग, तीन लोग या छः लोग इस खेल को एक साथ मिल के खेल सकते हैं और बहुत अच्छा लगता है ये गेम खेलना। नंबर 27 पे है स्विमिंग, यह तैराकी होती है, यह सिंगल गेम होता है। इसके बाद 28 पे है स्नेक एंड लेडर,
मतलब सांप सीढ़ी का खेल, इसको बच्चे भी बहुत पसंद करते हैं और कई बार बड़े भी इसको अच्छे से खेलते हैं। टेनिस, ये टेनिस में दोनों तरफ दो दो प्लेयर होते हैं। इसके बाद टेबल टेनिस, टेबल टेनिस सिंगल का भी होता है और डबल का भी होता है। ये दोनों प्रकार से खेला जाता है, मतलब सिंगल व्यक्ति भी खेलते हैं और डबल व्यक्ति भी दोनों तरफ होके खेलते हैं। नंबर 31 पे आ जाता है वॉलीबॉल। वॉलीबॉल में 6 प्लेयर एक तरफ होते हैं, 6 प्लेयर एक तरफ होते हैं, मतलब 6-6 की टीम बनती है। इसके बाद आता है वोल्टिंग, मतलब छलांग मारना, घोड़े के ऊपर से छलांग मारना वोल्टिंग कहलाता है। इसके बाद रेसलिंग, इसमें क्या है, कुश्ती होती है, इसमें दो व्यक्ति रहते हैं, एक अलग रहता है एक अलग रहता है, लेकिन सेम वेट वाले रहते हैं, मतलब भार इनका लगभग समान होता है। ये नंबर 34 जो कि आखिरी गेम है हमारा आज का, ये है वेट लिफ्टिंग। इसमें भार उठाया जाता है, इसमें क्या है, अलग अलग वेट कैटेगरी में अलग अलग प्रकार से भार उठाया जाता है। मतलब कि जैसे 34 किलो का होता है कोई, या 49 किलो कैटेगरी में कोई खेलता है, या 51 कैटेगरी में कोई खेलता है, या कोई 59 कैटेगरी में खेलता है। इस प्रकार से अलग अलग कैटेगरी में इस खेल को खेला जाता है। और ये हमारा आज का अंतिम गेम था। इसके ही साथ हम इस वीडियो को आज समाप्त करते हैं, और उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और ऐसे ही मैं आपके लिए कुछ नए खेलों के नाम, या खेलों से मिलती जुलती जानकारी, या खेलों के प्रति कैसे हमें आकर्षित होना है, इस प्रकार से कुछ न कुछ वीडियो आपके सामने मैं लाता रहूँगा, कुछ न कुछ जानकारी मैं आपको देता रहूँगा। इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। फिजिकल जानकारी चैनल, गोविंद वर्मा।